देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसद ने माता सीता और प्रभु श्री राम के बारे में टिप्पणी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में, देश ही में नहीं पूरे विश्व में हमारी सीता माता की पूजा होती है, प्रभु श्री राम की पूजा होती है, दुर्गा पूजा भी हम लोग अपने सारे ही देशवासी बड़े ही तन मन से मनाते हैं। और इस समय पर इस तरह की भाषा का बोलना, ये साफ दर्शाता है कि वहां पर रावण राज का खात्मा होने वाला है। इसीलिए राम और सीता की ज्यादा बात उनकी जबान से निकल रही है, लेकिन अमर्यादित भाषा के तहत निकल रही है। तो उनकी भाषा को सुधारने का काम वेस्ट बंगाल की जनता अब की चुनाव में कर देगी और ममता जी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, वहां राम राज की स्थापना होगी। मंत्री सोमनाथ भारती ने मुख्यमंत्री को धमकी दी, तो क्या अपनी राजनीतिक स्तर गिर गया, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, आप आए, आप क्या करने के लिए आए थे? इस तरह की बहुत ही कहना चाहिए घटिया भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, एक राजनेता के जरिए इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल, वो भी एक मुख्यमंत्री और साथ साथ योगी जी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, तो मुझे लगता है जो परिणाम उन्हें मिलना चाहिए था वो परिणाम कानून के तहत मिल गया है। और दूसरे लोगों के लिए ये सबक भी हो गया है कि मर्यादा में रहकर राजनीति करिए। अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने से यही हाल होगा जो उनका हुआ है। और आगे भी कोई अगर इस तरह की बात करता है तो उसको भी तय कर दिया है कि आप कानून के दायरे में अगर बात करेंगे तो ठीक है, और आप तो कानून के मंत्री रहे तो हमारी समझ में नहीं आता है, इन लोगों की डिग्री चेक करना चाहिए, ये वैसे ही जेल चले जाएंगे। क्योंकि हमें तो नहीं लगता ये कानून मंत्री जब थे तो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर के कहे जाते हैं। तो ऐसा आदमी जिस तरह की घटिया बात करके अगर बात कर रहा है तो ये मान लिया जाए कि उसके पास भी फेक डिग्री होगी, और इसीलिए शायद केजरीवाल ने इस बार जो है उनको बनाया नहीं। लेकिन इस सारे क्रम के लिए में पढ़ते होंगे तो जरूर इन लोगों ने उनको कहीं ना कहीं संस्कार तो नहीं दिए होंगे, और वहां के बच्चों का भविष्य अंधकार में करने का काम ऐसे ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अस्पतालों में गए तो कहा कि यहाँ जानवरों के बच्चे पैदा होते, तो जो इंसान के बच्चों को जानवर का बच्चा कहे तो यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है, और उस चरित्र को पूरे देश ने देख लिया है। इसलिए जिस तरह से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे काम कर रही है, ये सब उससे घबराए हुए लोग हैं, ये कंट्रोवर्शियल लोग हैं, ये अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करना चाहते हैं, जनहित की राजनीति ना इन्होंने कभी की है और ना ये भविष्य में कर सकते हैं। मंत्री, पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी में सुनवाई के लिए नहीं भेजेंगे, इस पे क्या आपका कहना है? जो मामला न्याय में है और न्याय संगत है उस मामले पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको पता है न्याय संगत मामला। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है सर, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है किसान कानून पर, सर तो क्या लगता है? कोर्ट का कहना है कि विरोध में कई याचिकाएं आई हैं लेकिन समर्थन में एक भी याचिका नहीं आई, तो क्या आप सरकार से? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और स्वागत करते हैं, कोई भी उनका निर्णय होता है हम सब मानते हैं, क्योंकि हम देश में कानून के राज की सरकार चलाते हैं तो कानून का हम पालन भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है देश से लेकर और प्रदेशों में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन में जो कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, जिसने 60 वर्षों तक शोषण किया है किसान भाइयों का, आज वो फिर सड़क पर बैठाल कर राहुल गांधी जी इटली में नया साल मनाने गए थे वहीं घूम रहे हैं, उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उनके जीजा जी किसानों की जमीनें छीन चुके हैं, ये सब आप जानते हैं, सारा देश जानता है। तो ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो रहा है, ऐसे लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं। किसानों के हित की सरकार अगर कोई है तो वो आदरणीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब क्या करेगी सर, आगे कदम क्या? मैंने कहा ना कि हम तो किसानों के साथ में है, आदरणीय मोदी जी ने साफ कहा हुआ है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे किसान भाइयों के लिए खुले, वार्ता करने के लिए हम कहां, हम तो किसानों के हित की, हम तो उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए आए हैं। हमने जो कानून हम लेकर आए हैं वो कानून कोई नया नहीं है, वो कानून तो मसौदा बनाया हुआ पिछली सरकारों का है, लेकिन इससे किसान भाइयों पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उन्हें जो अच्छा लगे उस तरह का निर्णय ले किसान भाई। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता ये है सरकार की कि हम किसानों की आमदनी भी दुगनी करेंगे और उनको संरक्षण भी देंगे।